जब मैंने घोषणा कर दी, पहले मैंने भाई सुनील बेरेसिया जी को भेजा, राणी प्रजापति जी को, मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला, इनको भेजो जल्दी अंदर भेजो, ये तो भेजो बहुत अच्छे के लिए। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल, उसका दिमाग खराब हो गया था, उसे लगा कि उन लोगों ने कि हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं, उसे लगा, लगना भी चाहिए, गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। हमारे यहां लोग कहते हैं कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बकरी पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। तो उसने गलत फहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और पट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमान किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हम आ रहे 17 तारीख में सरकार सुन ले, इन्हें लगा, यहां के एसपी भी है भैया मेरी बात को याद रखना, एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा आपका, कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना, मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गौर करो, गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं, उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 307 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया, मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि 25 का मुकदमा क्यों नहीं लेगा, लगाया था वही दस्ता लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है, मुख्यमंत्री उनके यहां बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहां बैठे रहते हैं, उनको लगा कि इनके सामने कौन लड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये होगा, ठीक है, जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे कौन ताकतवर होगा, मैं ताकतवर होगा तो तरक्की किसकी होगी बताओ, ना मुझे यहां से विधायक बनना, ना मुझे यहां से एमपी बनना, ना मैं यहां मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं तो आप लोगों को आपके पैरों पर खड़ा करने के लिए यहां मध्य प्रदेश में आया हूं। क्या मैं सरकार के आगे हाथ फैला रहा हूं अपनी किसी मांग के लिए, ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए, हजारों साल मेरे लोग अब इस देश में अन्याय का सामना करते रहे और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को कुर्बानी लेके गए, माननीय काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, ये है प्रिंस।